समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान अक्सर ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे बखेड़ा खड़ा हो जाता है और उन्हीं विवादित बयानों की वजह से अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सेना के खिलाफ दिए बयान को लेकर उन पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। रामपुर में उनके खिलाफ केस चलेगा। कहते हैं तरकश से निकला तीर और जुबान से निकली बात को कभी वापस नहीं लिया जा सकता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जब 2017 में सेना पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर और मिजोरम जैसे राज्यों में महिलाओं ने फौजियों से रेप का बदला लिया है, उस वक्त काफी हंगामा मचा था। समाजवादी पार्टी से लेकर आजम खान तक निशाने पर आ गए थे। काफी बवाल मचने के बाद इस बयान को लेकर आजम ने माफी भी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी अब तक उनके बयान को नहीं भूली है। एक बीजेपी नेता के बेटे आकाश सक्सेना की शिकायत पर योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ केस दायर करने का आदेश दिया है। रामपुर में उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। दरअसल आजम खान ने सेना पर यह विवादित टिप्पणी उस वक्त की थी जब छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमलों में शहीद सुरक्षा कर्मियों के प्राइवेट पार्ट कटने की खबरें सामने आई थी। इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की पूरा देश निंदा कर रहा था, लेकिन आजम खान ऐसा बयान दे बैठे थे जिसकी सजा उन्हें अब भुगतनी होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।